अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, देरों दुआएं आप लोगों के लिए। सारा दिन आप लोग फजूल चीज़ें देखते रहते हैं, फजूल चैनल, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको कुछ ना कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी और इन्फॉर्मेटिव मिलेगी। आज का जो व्लॉग है ये है कुर्बानी के हवाले से, ईद के हवाले से। सबसे पहले तो मैंने जिस तरह कहा, ईद मुबारक, खुश रहें, आबाद रहें, इंजॉय करें। अच्छा, कुर्बानी हम लोग करते हैं लेकिन गोश्त जो है सही तकसीम नहीं करते। हमारे यहाँ क्या रवाज है, ख़ासकर औरतें मर्दों को मजबूर कर लेती हैं जी, ये है कि कलेजी भी हमने रखनी है, पाए भी रख लेते हैं हम, ये है कि इसके अलावा सिर पाए और मतलब जो चांपे वगैरह, अच्छा 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 गोश्त रख लेते हैं, बाकी हम कहते हैं जी आप इसको हिस्से भी को नहीं करते, ठीक है ना। तो ये तरीका कहा गलत है, जब कुर्बानी हम करते हैं ठीक है, तो असल मकसद ही ना मिले तो क्या फ़ायदा। तो इस हवाले से इस ब्लॉग में बात होगी, लेकिन इससे पहले यह है कि लाजमी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाएँ। तो बात यह है कि कुर्बानी जारी बात है, यह है कि एक तो सबसे पहले तो ये है कि कुर्बानी करते वक्त आप लोग कोशिश ये करें कि जो एक बंदा को रिश्वत लेके या आराम की कमाई से, एक तो उस चीज़ की कोई कुर्बानी नहीं है, ठीक है, जहन में रखें। वो एक दिल को तसली करिए, फिर वो बड़ा से बड़ा बैल ले, जितने मर्जी वो ऊँट करे, लेकिन वो कोई कुर्बानी नहीं है, ठीक है, वो उसकी कबूलियत के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यह कि जब गोश्त तकसीम होती है, हम लोग बिल्कुल ना नाप तोल करते हैं, हम अच्छी चांपे भी, क्रेजी भी, पाए भी, वो सारा हम रख लेते हैं, हम कहते हैं बाकी तकसीम करें। इस तरह बिल्कुल कोई नहीं है, तीन हिस्से बनाएं अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए और गरीबों और मस्कीनों के लिए, ठीक है, तीन हिस्से बनाएं। उसके बाद यह है कि अपना पेशाक आप रखें, पेशाक आप 6 महीने फ्रिज में रखी रखें, या आप जो दूसरे घरों से आता है वो पेशाक रखें। लेकिन ये जो हमारे यहाँ ये है कि घरों में आता है तो औरतें कलेजी भी, साइड भी, चांपे भी, ये तरीका का गलत है। ये मुख्तर सब लाग था, मैंने कहा चले इससे मैं बात करूँ, तो इसलिए गोश्त का जो है तकसीम कोशिश किया करें सही और मुनासिब अच्छे तरीके से किया करें, ठीक है। जाने से पहले मेरा चैनल लाजमी राजा के ब्लॉग सब्सक्राइब करें, थैंक यू।